नमस्कार दोस्तों, पीएचपी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज तक हमने जो भी देखा है ट्यूटोरियल्स, उसके अंदर एक लेक्चर में हमने भी देखा था कि एचटीएमएल कंट्रोल को कैसे एक्सेस किया जाता है। उस ट्यूटोरियल में हमने एचटीएमएल को एज ए फ्रंट एंड यूज किया था और एक अलग डॉट पीएचपी का फाइल उसके अंदर हमने कॉल किया था एक्शन कमांड के ऊपर, एक्शन फॉर्म के प्रॉपर्टी के अंदर सबमिट पे क्लिक करने के बाद। लेकिन अभी यहाँ पे हमने कैसे किया हुआ है, एक ही फाइल के अंदर HTML का कोड भी रखा है और PHP का कोड भी रखा है। तो आप लोग ऐसे भी उस एग्जांपल को इस टाइप से भी ट्राई कर सकते हैं। अभी आज जो हमें देखना है वो हमें दो कंट्रोल देखने हैं, एक है रेडो बटन और एक है चेकबॉक्स। अभी रेडो बटन का आपको पता है, गोल गोल बटन आते हैं जिसके ऊपर हम क्लिक करने के बाद उस सर्कल के अंदर और एक सर्कल फिल वाला सर्कल क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। लेकिन रेडो बटन का यूज क्या है कि हम सिंगल सिलेक्शन ओनली रेडो बटन से कर सकते हैं और चेक बॉक्स से हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो पहले हमें एग्जांपल देखना है रेडो बटन का। अभी कैसे एक्सेस करेंगे, क्या करेंगे तो हमें देखना है। लेकिन उसके पहले एक बार मैं इसका आपको आउटपुट बताती हूँ तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, जाम भी हमारा ऑन ही है। यहाँ पे सपोज मैंने अभी एक ही सिलेक्शन अलाउड है तो एक मैंने सिलेक्शन किया ब्लू शो कलर, तो ये टेक्स्ट जो है वो ब्लू में डिस्प्ले हुआ। और आउट ऑफ थ्री हम एक ही कर सकते हैं, जैसे मैंने रेड पे ऊपर क्लिक किया बाद में ग्रीन के ऊपर किया तो रेड निकल जाएगा रेड। ये पेज यहाँ पे रीलोड हो रहा है इसलिए हमारा सिलेक्शन जा रहा है, लेकिन सेम पेज के ऊपर ही हमारा आउटपुट आ रहा है। चलिए अभी इसका कोड देखते हैं। हम कोड देखने के पहले पहले डिजाइन को देखते हैं। हम एक्चुअली यहाँ से हमारा एचटीएमएल स्टार्ट हुआ है, हेड के अंदर हमने टाइटल दिया हुआ है और हेड को क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं, पहले डॉट पीएचपी का न्यू फाइल लीजिए और उसमें पहले ये वाला कोड टाइप कर दीजिए जो डिजाइन का है, उसके बाद पीएचपी का कोड आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेथड हमने दिया है पोस्ट और एक्शन है कलर चॉइस डॉट पीएचपी। तो जो फाइल के अंदर अभी हमारा करंट कोड है उसी फाइल का नाम कलर चॉइस डॉट पीएचपी है। चलिए अभी यहाँ पे हमें डिजाइन करना रेडो बटन। तो यहाँ पे जब हम नेम लेंगे तो नेम में हमें यहाँ पे एरे मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सेप्ट जो करता है तो मल्टीपल वैल्यू एक्सेप्ट करता है और उसमें से हमें जो वैल्यू चाहिए वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें एरे देना पड़ेगा। एरे का जो सिंबल होता है हमारा नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। टाइप रेडो बटन है और उसका वैल्यू दिया है रेड ब्लू एंड ग्रीन और उसका कैप्शन भी सेम है जैसी वैल्यू है। नीचे एक बटन लिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो सेम फाइल को कॉल करेगा। अभी इस फाइल के अंदर हमारा कोड क्या है, तो डॉलर पीएचपी से हमारा बैकिंग का कोड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट फंक्शन लेंगे। एक्सट्रैक्ट फंक्शन का काम क्या है, हमने जो भी वैल्यू स्टोर की है एरे के अंदर वो वैल्यू जो करंट वेरिएबल है उसके अंदर वो एक्सट्रैक्ट करेगा। ओके, उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि B1 पे क्लिक करने के पहले ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम ही पेज के ऊपर सब कुछ रखा हुआ है ना हमने, इसलिए हमने इस सेट मेथड को यूज किया। इस सेट मेथड क्या चेक करती है, अगर आप जाके इसके ऊपर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कंट्रोल का नाम है, जैसे यहाँ पे हमारे बटन का नाम B1 है, उस कंट्रोल पे एक्शन लेने के बाद ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये हमें कंपलसरी देना पड़ेगा क्योंकि सेम पेज के ऊपर है हम। अभी फॉर ईच लूप हमारे यहाँ अभी यहाँ पे बहुत यूजफुल है। फॉर ईच के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा जो एरे बना हुआ है आर, फिर से जाएंगे हम नीचे, देखिए नेम क्या है आर, ए नेम और ए नेम सेम होना चाहिए। इस एरे में की एक एक वैल्यू जो है वो डॉलर वैल के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर हम चेक करेंगे अगर डॉलर वैल की वैल्यू करंट वैल्यू रेड है तो यहाँ पे आना चाहिए रेड कलर इज सिलेक्टेड और फॉर्म कलर भी रेड ही आना चाहिए, ब्लू है तो ब्लू, ग्रीन है तो ग्रीन। तो इस टाइप से हमने रेडो बटन को एक्सेस किया। फिर से एक बार हम आउटपुट देखेंगे। लाइक दिस। ओके, लेकिन रेडो बटन में सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि सिंगल सिलेक्शन अलाउड है। चलिए अभी हम मल्टी सिलेक्शन का करते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कैसे दिखते हैं,
स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर दिखते हैं और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद टिक मार्क का साइन आता है। तो चलिए पहले इसको हम ऐसे करते हैं, पहले आउटपुट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे टिक किया इसका मतलब मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और ये सिलेक्ट किया है चॉकलेट और टी, और शो माय आइटम्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे बिल आना चाहिए और कौन से आइटम सिलेक्ट किया वो भी डिस्प्ले होना चाहिए। देखिए मैंने चॉकलेट और टी लिया, टोटल अमाउंट आया 60, डिस्काउंट आया 3 रुपीज़ का, और 57 रुपीज़ मुझे पे करना है। अगर मैंने लिया कॉफ़ी एंड टी तो यहाँ पे कितना हो गया 100, देखिए 100, 5 रुपये हमें डिस्काउंट मिला और 95 रुपीज़ हमें पे करने हैं। तो इस तरफ से इस सेम पेज के ऊपर हम मल्टीपल आउटपुट देख सकते हैं, हर टाइम ये पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। चलिए तो पहले अगेन लेट अस सी द डिजाइन। डिजाइन के लिए हमने क्या किया, फिर से फॉर्म की मेथड ली पोस्ट, एक्शन क्या लिया हमने चेक बॉक्सेस डॉट पीएचपी, जिस फाइल के अंदर अभी हमारे एक कोड है उसी फाइल का नाम है। यहाँ पे हमने टेबल लिया, टेबल के बॉर्डर 1 लिए, टेबल में पहले कॉलम ने हमने क्या लिखा है चॉकलेट और उसका प्राइस दिया है, और उस उसके ठीक सामने हमने चेक बॉक्स डिजाइन किया है। यहाँ पे भी जब हम चेक बॉक्स का नाम देंगे तो हमें एरे के फॉर्म में ही देना है, यहाँ पे एम्प्टी साइज का एरे हमें देना है और इसी नेम को हमें बाद में सब चेक बॉक्स के लिए एक्सेस करना है। तो हर एक का वैल्यू अलग अलग है तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद कॉफी, कॉफी का हमने रेट दिया 80 रुपीज़, और ये जो है यहाँ पे करंट जो रो है वो क्लोज हो गई और न्यू रो स्टार्ट हो गई, ये सब बेसिक एचटीएमएल टेबल का फॉर्मेट है। उसके बाद हमने किया टी और बिस्किट। चलिए अभी यहाँ पे हमने एक बटन लिया है शो माई आइटम्स, इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी एक्शन में फाइल है वो फाइल एग्जीक्यूट होगी, तो इसी सेम फाइल में हो जाएगा। अभी यहाँ से हमारा पीएचपी का कोड स्टार्ट हो रहा है, फिर से यहाँ पे स्ट्रक्ट फंक्शन हम लेंगे, और यहाँ पे फिर से हमने जब B1 के ऊपर हम क्लिक करेंगे तभी एक को सब कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 रेट लेके रखे और उसकी सम के लिए 0 दिया है। अगर चेकलिस्ट एम्प्टी है तो हमें मैसेज दिखाएगा यू सिलेक्टेड दिस आइटम्स, चेकलिस्ट एम्प्टी नहीं है, नॉट नॉट है, नहीं है तो हमें दिखाएगा कि हमने कितने आइटम सिलेक्ट किए हैं। तो उसके लिए हमने ओएल टाइप लिया है, 1, 2, 3, 4 ऐसे आइटम आएंगे। एक काउंटर लिया है 0 का क्योंकि हमें डिस्काउंट देना है, अगर दो एक से ज्यादा आइटम है तो ही डिस्काउंट है। चलिए अभी हमारे हमारा एरे का नाम क्या था, चेक लिस्ट, इसमें से एक एक वैल्यू वो डॉलर वैल्यू के अंदर स्टोर करेगा। अगर डॉलर वैल्यू का वैल्यू चॉकलेट है तो जो R1 है जो चॉकलेट की प्राइस है वो सम के अंदर क्लिक हो जाएगी, काउंटर प्लस प्लस हुआ। कॉफी है तो कॉफी की एड हो जाएगी सम के साथ, और सम इक्वल टू सम का मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस जो अगर हमने कॉफी ली है उसकी प्राइस प्लस बिस्किट की प्राइस, ऐसे दोनों भी सम के साथ ऐड हो जाएगी। ओके टी और बिस्किट। उसके बाद हमने वैल को भी यहाँ पे प्रिंट किया कि हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल आइटम होगी तो ऑलरेडी हमारा एरे तो मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करेगा। उसके बाद अगर हमने 4 आइटम सिलेक्ट किए तो डिस्काउंट 10% है, तो 3 आइटम सिलेक्ट किए तो 75%, और 2 आइटम के लिए 5% डिस्काउंट है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेट अमाउंट के लिए हमें हमने जो सम की थी उसमें से डिस्काउंट का माइनस करना है और हमें बिल को शो करना है। ओके चलिए फिर से रन करते हैं, ज्यादा डिस्काउंट लेते हैं हम, थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट के लिए ज्यादा आइटम लेने पड़ेगा और ज्यादा पे भी करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हम 3 आइटम सेलेक्ट करेंगे, 1, 2 एंड 3, 3 आइटम के लिए 7.5% डिस्काउंट है। ये देखिए 7.5% डिस्काउंट यहाँ पे आ गया। अगर हम 4 ही आइटम लेते हैं तो हमें 10% पूरा डिस्काउंट आएगा, ये देखिए पूरा 10% आ गया। तो ऐसे आप लोग क्रेडो बटन एंड चेक बॉक्स को यूज कर सकते हैं। अभी इसके अंदर आप इमेजेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इमेजेस के लिए जिस फोल्डर के अंदर आपका प्रोग्राम है उसी फोल्डर के अंदर आपकी इमेजेस भी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मेरा जो कर्सर है यहाँ पे इमेजेस ऑलरेडी स्टोर करके कॉपी पेस्ट करके रखी हुई है। अब एक बार फिर से मैं पहले इसको रन करके दिखाती हूँ, रेडो बटन का एग्जाम्पल आप चेक बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने स्क्रीन वन के ऊपर क्लिक किया और शो इमेज बोला, तो एक इमेज शो होनी चाहिए थ्री के ऊपर क्या। अभी एक ही बार एक ही कर सकते हैं ना हम शो, क्योंकि रेडियो बटन है। आप लोग ऐसे चेक बॉक्स का भी बना सकते हैं। चलिए पहले इसका कोड देखेंगे हम। लेटेस्ट डिस्कस फर्स्ट डिजाइन, तो यहाँ पे मूवी सिलेक्ट नाम का हमारा सेम फाइल का नाम नेम है। उसके बाद यहाँ पे भी हमने टॉप टेबल लिया है, बॉर्डर लिया है, और यहाँ पे रेडियो बटन का जो नाम है वो लिया है रेडियो लिस्ट LST। ओके, इसका वैल्यू है स्क्रीन वन। और उसके आगे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमने हमें इमेज ओपन की हुई है, तो जो दूसरा TD है उसके आगे, उसके अंदर इमेज है। लेकिन इमेज ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमने रेडो बटन क्लिक किया है वहां से हमें उसका जो इमेज का नाम है वहां से हमें पाथ उठाना है, क्योंकि ये जो पाथ है वो पाथ तो पूरा एक्सेस होना चाहिए इमेज का। तो आप ये डॉलर पाथ को प्रिंट करके भी देख सकते हैं कैसे आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सोर्स इक्वल टू क्या दिया, डॉलर PHP इको एस पाथ। तो एस पाथ की वैल्यू जो है वो सोर्स को असाइन हो जाएगी। वैसे हमने रेडो बटन टू के लिए भी किया हुआ है। स्क्रीन अगर टू सिलेक्ट की तो जो भी पाते वो यहाँ पे ऐसे होगा स्क्रीन वन के लिए। अभी उसके बाद हमने लिया यहाँ पे स्क्रीन टू, और इसका TDMT रखा हुआ है, क्योंकि एक एक ही बार हमें एक TD डिजाइन करना है जिसके जिसमें इमेज सोर्स है। उसके बाद लिया स्क्रीन थ्री। ओके, और जब भी हम शो इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट फंक्शन लगेगा। पाथ हमने अभी यहाँ पे एम्प्टी लिया है। अगर हम बटन वन के ऊपर क्लिक करते हैं, और अगर रेडो बटन से कोई सिलेक्टेड है, तो हमें क्या करना है, स्क्रीन वन, और पाथ में नाम देना है इमेज का, और सिर्फ नाम देना है। तो नाम देने के बाद क्या होगा कि वो इमेज आपके ही फोल्डर के अंदर चाहिए कंपलसरी, जिस फोल्डर में आपका प्रोग्राम है। तो फर्स्ट इमेज आएगी स्क्रीन टू है तो सेकंड आएगी, स्क्रीन थ्री है तो थर्ड आएगी। अभी इस पाथ की वैल्यू जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो इस पाथ की वैल्यू कहाँ पे असाइन होगी, इस इमेज सोर्स को असाइन होगी। और पहले तो हमने पाथ एम्प्टी दिया हुआ है ना, इसलिए जब फर्स्ट टाइम हम रन करते तो हमें इमेज दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वहां पे इमेज का पाथ एम्प्टी, इसको एम्प्टी आता है, तो एम्प्टी सिर्फ वो इमेज का एक कंटेनर दिखाता है। जब उसको वैल्यू असाइन होगी तब वो इमेज डिस्प्ले करेगा। फिर से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ही TD डिजाइन किया हुआ है, उसको अंदर हमें इमेज को शो इमेज। अब स्क्रीन थ्री के ऊपर क्लिक किया, शो इमेज, तो अलग अलग इमेज हमें डिस्प्ले हो रही है एक ही इमेज बॉक्स के अंदर। लेकिन अगर आपको यही चेक बॉक्स के अंदर करना है तो इतने इमेज सोर्स फिर आपको अलग अलग लगेंगे, क्योंकि चेक बॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शन भी अलाउड है ना। तो आप एक बार मल्टीपल इमेजेस भी दे सकते हो। तो आपको ये वाला जो TD है स्क्रीन वन के लिए भी लगेगा, स्क्रीन टू के लिए भी लगेगा, और थ्री के लिए भी लगेगा। ओके, तो ऐसे आप लोग रेडो बटन या चेक बॉक्स को यहाँ पे इजीली हैंडल कर सकते हैं। आप एक बार प्रैक्टिकली ये सब करके देखिए, थोड़ा आपका अलग लॉजिक होगा, तो उसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। लेक्चर वॉच करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।